गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ब्रजेश, धर्मेंद्र यादव। वीडियो नहीं चल रहा है, क्यों? अभी चल रहा होगा वीडियो, एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका साउंड और वीडियो सब सही है क्या, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है क्या मैम? दीप, एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिख रही है ना? गुड रूप, आप ही बताइए, क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना? ओके भंवरलाल, ओके चलो ठीक है। चलिए, आपकी क्लास में पहली बार ऑनलाइन आया हूं मैं, ठीक है, ओके। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ओम प्रकाश। चलिए मैम प्लीज, मैं स्पेशल टू में बैच, मैम प्लीज मैं स्पेशल टू में क्लासेस रेगुलर करवा दीजिए, डोंट वेरी बच्चा। अभी मैं डीपी सर से बात करके आई हूँ, वो बोल रहे हैं कि मैं आज 2 बजे क्लास लूंगा, मैं स्पेशल में 2 बजे क्लास होगी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, चल रही है सही, ओके। चलिए, तो आज इस बैच में कुछ बच्चे तो एनटीपीसी वाले भी हैं, तो एनटीपीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज वो इससे पहले हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उसकी 3 वीडियोस डली हुई हैं बायोलॉजी में। इवनिंग में आपकी जो क्लासेस चलेंगी आज वो रीजनिंग की चलेंगी। जो इस बैच में एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं वो सुन लीजिएगा प्लीज, जो एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2 जो बैच स्टार्ट हुआ है अपना, तो इस आरआरबी एनटीपीसी 2 में जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उन बच्चों का साइंस का टाइमिंग रहेगा हमेशा 12 से 2। साइंस स्पेशल के साथ ही हम पढ़ेंगे 12 से 2 में, और जब आपका मैथ्स और रीजनिंग लगेगा बच्चों, तो मैथ्स और रीजनिंग लगेगा रात को 8 से 10, रात को 8 to 10 PM लगेगा, ठीक है। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं टाइम्स कोचिंग से या फिर मेरी क्लासेस पहली बार है, तो जो रीजनिंग है तो रीजनिंग चलेगी आज आपकी 8 से 10 PM पे, ओके। चलिए, तो अब हमने यहां पर लास्ट 3 क्लास से हमारा एक चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है मैम व्हेन विल बी एनटीपीसी एग्जाम। एनटीपीसी एग्जाम बच्चा बच्चा ऐसे सुनने में आ रहा है कि फरवरी मिड से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फरवरी के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं। मैम आई वॉन्ट टू सम डिस्कस विद यू एट लास्ट। हाँ हाँ, आप पूछ सकते हैं जो भी डिस्कस करना है आपको। मैम मैं सहरसा हूं से हूं, ओके। चलिए मैम मेरा कमेंट भी देख लीजिए, राहुल मैं सबका कमेंट देख रही हूँ यहाँ पर, जो जेन्युइन कमेंट है उसका रिप्लाई करूंगी। तो जो बच्चे एनटीपीसी वाले स्टूडेंट है बच्चों, तो आपको जब लाइव क्लास देखनी तो आप 12 से 2 और रात को 8 से 10। मैम आप रोज की तरह आप आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं, ओके थैंक यू वेरी मच। मैम क्वालिटी का ऑप्शन नजर ना आ रो, अरे क्वालिटी का ऑप्शन नजर ना आ रो तो राइट में एक सेटिंग का ऑप्शन है उस पर लीजिएगा। मैम 2 क्लास, आई डोंट नो आप क्या कह रहे हैं। हाँ, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था साइटोलॉजी, 3 क्लास हो गई है साइटोलॉजी की, तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा साइटोलॉजी की क्लास। मैम वीडियो रुक रुक के चल रही है, अगर वीडियो रुक रुक के चल रही है, अच्छा वॉइस रुक रुक के आ रही है, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। मैम बोर्ड सही नहीं है आपका, राइट साइड में, राइट साइड में बोर्ड सही नहीं है, बोर्ड तो एकदम सही है, बोर्ड एकदम सही है। मैम आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ एनटीपीसी, ओके रामनिवास। तो एनटीपीसी के लिए बच्चा आपको 12 से 2 साइंस पढ़नी है डेली, और आपको रात को 8 से 10 आपको पढ़ना है रीजनिंग एंड मैथ्स, 3 दिन रीजनिंग 3 दिन मैथ्स। मैम नल लिखा आ रहा है, मेरा नाम रितेश है, रितेश आप तो बात ही मत करो, आपका नाम नल लिखा और आ रहा है। मैम अभी भी एनटीपीसी बैच परचेज कर सकते हैं, यस आप आरआरबी एनटीपीसी 2 बैच परचेज कर सकते हैं, और बहुत जल्दी एक एनटीपीसी का क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इसमें प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। मैम 2 आवर्स की पूरी क्लास ली तो और ही मजा आ जाएगा, कमल शर्मा डोंट वरी, 2 घंटे में क्लास लेती हूँ, 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट, बट आज एक्चुअली थोड़ा सा स्टूडियो फ्री नहीं था, उसके चक्कर में मेरी क्लास थोड़ा सा लेट हो गई। चलो अब लेट नहीं करते, वैसे भी मेरी 2 बजे दूसरी क्लास है, तो 2 बजे तक आज हमें पढ़ना है। मैम डीएनए आरएनए आपने बहुत अच्छा समझाया, ओके बहुत अच्छा लगा मुझे अगर आपको समझ में आया तो। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी अबाउट सेल। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप सेल के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि सेल होता क्या है और सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके उसको जब आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मैम साइटोलॉजी, है ना। चलिए, तो हम 3 क्लासेस साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, आज और कल अपना साइटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। मैम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बताइएगा, ओके मैं बताऊंगी स्वान नेक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। चलिए पहले हम सुनिए यहां पर, एंड में बताऊंगी आपका क्वेश्चन का आंसर। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में एक हंस जो होता है ना, हंस का जो ग्रीवा होती है, जो उसकी उसका जैसा एक बीकर लिया था और उसमें
उसको तोड़कर उसके अंदर कुछ ब्रोथ डाला था, मांस वास का टुकड़ा डाला था, और देखा गया था कि इस मांस के टुकड़े उसको जब कवर कर दिया तो उसके अंदर बैक्टीरिया वैक्टीरिया नहीं एंटर किया था, और कवर नहीं किया तो बाहर से बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ गया था। तो वहां से पता लगना स्टार्ट हुआ था कि भाई जो लिविंग है उसका निर्माण लिविंग से ही होता है। ये था आपका स्वान हंस का एक्सपेरिमेंट, जो आपको बाद में बता दूंगी आपको। चलिए देखिए, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा ध्यान से सुनना। हमने सेल के कंपोनेंट्स पढ़ा, पहला कंपोनेंट पढ़ा हमने सेल वॉल, जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हैं। मेरा दो क्लास छूट गया लाइव, तो आप वो क्लास बैक जाके देख सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट मत कीजिए, क्लास के बाद आप वो देख सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, पढ़ा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। उसके बाद मैंने पढ़ाया नेक्स्ट, आप सबने पढ़ा होगा न्यूक्लियस, जिसको आप केंद्रक बोलते हैं। और न्यूक्लियस के बाद हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, डीएनए और आरएनए में होते हैं, डीएनए और आरएनए की फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब हम नेक्स्ट कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे आज सेल का, और नेक्स्ट का नाम है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट जितना भी नंबर है, अच्छा, एक सेकंड, नहीं, डीएनए आरएनए पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, तो अब हमें पढ़ना है क्रोमोसोम, यस सॉरी, तो अब हमें पढ़ेंगे क्रोमोसोम। तो चैप्टर का नाम है मैम हमारा साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्रोमोसोम्स पढ़ने जा रहे हैं, और क्रोमोसोम्स को हिंदी में कहा जाता है बच्चों गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। मैम मेरी दो क्लास छूट गई है, तो आप इतना कमेंट मत करें, राम शिवरतन आप एक कमेंट को 50 बार ना करें, ठीक है। चलिए देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? आप बताओगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। याद कीजिए मेरी लास्ट क्लास, मैंने आपको लिखवाया था कि हिस्टोन प्रोटीन किसके ऊपर लगे हुए होते हैं बच्चों। मैम आपने बताया था हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया बताइए क्रोमोसोम्स किस चीज के बने हुए होते हैं, आप क्या बताएंगे कि क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर होती है आप बताओगे? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी जैसी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड का मतलब होता है मैम धागा। ये धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। कैसे होती हैं तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये ऐसी होती हैं, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। किसकी बनी हुई होती है मैम? ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने कि इस क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? मैंने बताया था ना आपको यहां से खोज नाम, सबके बहुत सारे साइंटिस्ट के आपको नाम याद करना है, राइट। चलिए चलिए नेक्स्ट है आपका कि इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स? आप बताएंगे कि इसकी खोज एक पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कौन से साइंटिस्ट ने? पुरकिंजे ने खोज की कि भाई सेल के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। बट ये जो नाम है, ये नाम किसने दिया था आप बताएंगे? ये नाम दिया था वेल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने? वेल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने नाम दिया। और खोज किसने किया था आप बताएंगे? इसका खोज की थी पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना और उसको स्टार करके अपनी कॉपी में लिखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट लिखेंगे आप, इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। इट बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या हो गया? हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, ये केवल कोशिका विभाजन के समय, ये केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं, के समय दिखाई देते हैं। अब मैम इस लाइन का मीनिंग क्या है? देखिए आपने कभी सेल देखी है? मैंने तो बहुत बार देखी है। आप कोई भी सेल उठाओ, आप
आप कोई सेल उठाओ, चाहे आप नाखून की सेल उठाओ, आप बालों की सेल उठाओ, कोई भी एक सेल उठाओ, इस सेल को आप रखो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे, आपको उस सेल के सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे, डीएनए, आरएनए, ऐसे ही आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब दिख जाएंगे। बट अगर आपको देखना है क्या, अगर आपको देखने हैं क्रोमोसोम्स, तो आपको वो सेल उठानी पड़ेगी जिस सेल में क्या हो रहा हो, जिस सेल में मैम किसकी प्रोसेस हो रहा हो, सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा हो, कोशिका विभाजन का प्रोसेस हो रहा हो। मैम सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाती है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बनाती है उसको सेल डिवीजन बोलते हैं। तो एग्जाम पूछा जाए कि कौन सी प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, आप बताएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपको अगर क्रोमोसोम देखना है तो बच्चों आपको वो सेल उठानी पड़ेगी जिस सेल के अंदर क्या हो रहा होगा, सेल डिवीजन हो रहा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आपको यहां पर याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना क्रोमोसोम्स के बारे में क्या, आप याद रखेंगे कि इट इज फाउंड इन ओनली पेयर्स, इट इज फाउंड इन ओनली पेयर्स, ये सिर्फ जोड़ियों में पाए जाते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है, हमेशा क्या होते हैं वो पेयर्स होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक होगा, एक एक क्रोमोसोम होगा, या तीन होंगे, पांच होंगे, ऐसे नहीं आएगा, आपको याद रखना वो पेयर्स में होंगे। अब बात आती है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, शायद आप सब लोग जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जब 23 जोड़ी हैं तो टोटल कितने होते हैं बच्चों, 46 होते हैं। तो हमारे बॉडी में अगर हमारे बॉडी की एक सेल निकालोगे आप, उस सेल के अंदर आपको कितने दिखेंगे, 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे, राइट। चलिए अब ये तो हो गया नंबर में, अब बात आती है कि हमारे बॉडी में जो 23 पेयर्स हैं वो कितने टाइप्स में बटे हुए होते हैं, आप बताओगे जो 23 पेयर्स हैं वो दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन कौन से, नंबर वन पे आते हैं ऑटोसोम्स, कौन कौन से आते हैं ऑटोसोम्स, और ऑटोसोम्स को हिंदी में बोलते हैं ऑटोसोम। नंबर टू आते हैं बच्चों एलोसोम, कौन से आते हैं एलोसोम, और हिंदी में बोलते हैं एलोसोम। तो मैम हमारे बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं जो दो टाइप में बंटे हुए हैं, एक क्या है बच्चों, एक है ऑटोसोम, एक है एलोसोम। अच्छा मैं आपको एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ कि अभी हम लोगों ने हमारी ऐप में कुछ नए फीचर्स लाए हैं, तो जिन बच्चों को ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, और मतलब किसी का कोई बैच नहीं दिख रहा है, कोई बैच छूट गया है, तो प्लीज करके आप ऐप को एक बार अनइंस्टॉल करो, देन अगेन रीइंस्टॉल करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर किसी के साथ आपके भाई बंधु कोई भी दोस्त वोस्त को अगर अभी तक पता नहीं लगा है, तो आप प्लीज एक बार आप अपना ऐप को अनइंस्टॉल करें, देन इंस्टॉल करें, राइट। चलिए आ जाइए वापस। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं एलोसोम्स। अब मैम ऑटोसोम्स क्या है और एलोसोम्स क्या है वो सुनो। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो लड़का और लड़की में कॉमन होते हैं, मतलब जो एक जैसे हो, क्रोमोसोम्स दैट आर इक्वल इन मेल एंड फीमेल आर नोन एज ऑटोसोम। वे गुणसूत्र जो लड़का लड़की में एक जैसे हो वो क्या कहलाते हैं, वो ऑटोसोम कहलाते हैं। कहने का मतलब लड़का और लड़की में जो कॉमन क्रोमोसोम्स हैं वो कौन से होंगे मैम, ऑटोसोम्स। और लड़का और लड़की में कितने पेयर्स कॉमन होते हैं, आप बताएंगे 22 पेयर्स कॉमन होते हैं। और जब 22 पेयर्स का मतलब है तो बच्चा टोटल कितने हो जाएंगे, 44, राइट। चलो अब इधर आइएगा, दूसरा एलोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो लड़के के अलग हैं और लड़की के अलग हैं, दोनों में डिफरेंट हो, क्रोमोसोम्स दैट आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल आर नोन एज एलोसोम्स। वो गुणसूत्र जो लड़की में अलग होंगे और लड़के में अलग होंगे वो क्या होंगे बच्चों, एलोसोम। कितने पेयर होते हैं हमारे बॉडी में एलोसोम, 1 पेयर होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2, एक पेयर मतलब 2। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, कि एक पेयर में किसके कौन से होते हैं, मेल के होते हैं बच्चों एक्स कॉमा वाई, और फीमेल का मतलब है लड़कियों के होते हैं एक्स और एक्स। मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया, मैंने बोला कि भाई
इस पेयर का मतलब है 44 क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं लड़का लड़की में, एलोसोम्स एक पेयर अलग अलग होते हैं, मेल के होते हैं एक्स वाई और फीमेल के होते हैं एक्स एक्स। अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक सेंटेंस बार बार बोला है कि क्रोमोसोम्स हमेशा किसमें होते हैं, मैम आप बोल रही हैं कि क्रोमोसोम्स हमेशा किसमें होंगे, तो पेयर्स में होंगे, और जब इन क्रोमोसोम का पेयर नहीं बनेगा तो जैसे मैंने बोला बच्चों कि यहां पर 22 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, तो यहां पर 22 पेयर का मतलब है 22 पेयर, अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाए तो अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ होती है, होने वाले बच्चे में जो बच्चा भी मम्मी के पेट में है, जो जाइगोट है, और जाइगोट क्या होता है मैम आपने बताया था सेल है ना, ऐसे सेल बनी है, अभी इसके अंदर जेंडर डिटरमाइंड होगा कि भाई लड़का बनना है या लड़की बननी है, या आगे आइए सेल आगे चलकर किसका रूप लेनी है, लड़के का या लड़की का। तो होता क्या है, अगर इन ऑटोसोम क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई क्रोमोसोम कम हो जाता है, कोई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर हो जाती है जेनेटिक डिजीज। कैसी डिजीज बच्चों, जेनेटिक डिजीज। आपने सुना होगा कि कुछ बीमारियां होती हैं जो हमें जन्म के साथ मिलती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं, उनको आप क्या बोलते हैं बच्चों, उनका आनुवंशिक रोग, उनको आप क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज बोलते हैं। तो आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जेनेटिक डिजीज कब होती है, आप बताओगे जब ऑटोसोम क्रोमोसोम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो होने वाले बच्चे में साथ में बीमारियां चली जाएंगी और वो एक में आगे 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 ट्रांसफर होती जाती है और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, राइट, बता दोगे। अब आइए यहां पर एलोसोम में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए, ये एक जायगोट बना, ये एक युग्मनस बना, अब ये जायगोट बन गया, अब धीरे धीरे इसमें टिश्यूज सेल्स बहुत सारी बनेंगी, फिर टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होंगे, तो ये जायगोट में अब क्या होगा, अब इसमें सेक्स डिटरमाइंड प्रोसेस होगी कि भाई लड़का बनना है या लड़की बननी है, तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम तो एज इट इज जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, लड़का लड़की के क्या है बच्चों, कॉमन है, ठीक है मैम, क्लास संडे, संडे को कोई क्लास नहीं होती है मेरे बैचेस में, संडे को मैं रेस्ट करती हूँ, तो प्लीज सर आप याद रखें, ठीक है, तो मैम 44 तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो जाएंगे ही जाएंगे, क्यों जाएंगे मैम, क्योंकि मैम ये तो कॉमन है बेचारे, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने बोला मेल के क्रोमोसोम कौन कौन से, मेल का मतलब यहाँ पापा मान लो, ठीक है, एक्स और वाई, और फीमेल का मतलब है यहां पर मम्मी, मम्मी के कौन से हैं, एक्स और एक्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चा है, ये बच्चा होने वाला बच्चा है, इसने 44 तो आ गए, कितनों की कमी है, आप क्या बताएंगे, दो की कमी है। अब दो में से एक पापा से आएगा, एक मम्मी से आएगा, अगर पापा का एक्स आया मम्मी का एक्स आया तो ये बच्चा क्या बन जाएगा, एक्स एक्स किसके क्रोमोसोम होते हैं, गर्ल के, लड़की के। तो अगर मैं यहां 44 एक्स एक्स कर दूंगी, टोटल 46 हो जाएंगे और यह होने वाला बच्चा क्या होगा, ये लड़की होगा, राइट। अगर यहां से वाई आया, यहां से एक्स आया, तो ये होने वाला बच्चा क्या होगा, बॉय होगा, मतलब उसके क्या हो जाएंगे, 44 एक्स वाई 46 हो गए, और वो क्या बन जाएगा, वो बॉय बन जाएगा, वो लड़का बन जाएगा, ठीक है बात। चलिए तो अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, किसके क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम है, किसके क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, आप सबको एक बात ध्यान में आ गई होगी, किसके क्रोमोसोम कर रहे होंगे, मेल के, क्यों मैम, क्योंकि मैम लड़कियों में तो क्या होते हैं, ठीक है, तो मेल के क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आप सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम, और सेक्स डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों, लिंग निर्धारक गुणसूत्र, जो लड़का लड़की का डिसाइड करेंगे कि कौन लड़का लड़का होगा या लड़की होगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेल के और कौन से, एक्स और वाई, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए ये हो गया क्रोमोसोम की बात, ठीक है, अब थोड़ा सा लिख लो किसमें कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये जरा लिख लीजिएगा किसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं,
मैम ट्रांसजेंडर कैसे होता है? चलो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम ट्रांसजेंडर कैसे होता है। जयप्रकाश यादव आप यहाँ पर प्लीज बार बार कमेंट मत करें कि मैम एमसीक्यू यूट्यूब पे नहीं चलेगी क्या। नहीं, वो अब सिर्फ बैच में क्लास हो रही है जो आपका एमसीक्यू का क्लास है वो, ठीक है। सेल डिवीजन के बारे में तो मानू मैं जब सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी तभी पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी आप ज्यादा मत पूछिए। देखिए एक बच्चे ने पूछा है कि मैम ये बताइए ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं। देखिए जरा ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं। ट्रांसजेंडर बनने की जो प्रोसेस है बच्चों उसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसको क्या कहा जाता है? उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाएगा। देखिए कब बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोसेस कब आती है? ये आती है जब मेल के एलोजोम में कुछ गड़बड़ हो जाए तब। लड़कों के एलोजोम में, मैम आप कहना क्या चाह रही हैं? लड़कों के एलोजोम क्या होते हैं बच्चों? एक्स और वाई। पहले कितने जड़ेंगे? 44 एक्स वाई। अगर बच्चों यहां पर 44 प्लस एक्स वाई है, एक्स वाई किसके होते हैं? मेल के। तो वो यहां तक क्या है? वो कॉमन इंसान है, वो एक कॉमन मेल है, ठीक है। प्लस इस सिंड्रोम में क्या होता है, एक नया क्रोमोसोम आके जुड़ता है, और नया क्रोमोसोम कौन सा होता है बच्चों? एक्स। 44, 45, 46, 47, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। ये यहां तक क्या था? वो मेल। ये एक्स आया, ये किसके करेक्टर लाएगा? आप सब जानते हैं फीमेल के, क्योंकि एक्स एक्स किसके होते हैं? फीमेल के। तो आप बताएंगे कि जब मेल के क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। और जैसे ही 47 होता है तो इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों के करेक्टर आ जाते हैं, और वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है ट्रांसजेंडर। और उस सिंड्रोम को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। मैम ग्रुप डी में एक्स वाई ग्रुप एक्स वाई क्रोमोसोम का क्वेश्चन पूछा था। यस, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किसके क्रोमोसोम्स सेक्स डिटरमाइंड होते हैं? तब बताएंगे लड़कों के क्रोमोसोम्स, मेल के क्रोमोसोम। ये होता है बच्चों, जो भी जिसने मुझसे पूछा है ट्रांसजेंडर का केस, मैंने बता दिया है। चलिए अब मैं आपको बताऊं, दो चार क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। एक आता है कि ड्रोसोफिला में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं? आप बताएंगे ड्रोसोफिला में 8 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछता है बिल्ली में कितने पेयर होते हैं? 19 पेयर्स होते हैं, ठीक है। आपसे पूछे चिंपेंजी में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे चिंपेंजी में हम लोगों से एक पेयर ज्यादा होता है। तो बच्चों हम लोगों से एक ज्यादा है तो कितने हो गए? 24 पेयर्स हो गए, क्योंकि हम लोगों में कितने हैं? 23। फिर आपसे पूछा जाए बच्चों, इसके बाद आपसे पूछा जाए गेहूं में कितने होते हैं, तो गेहूं में होते हैं 21 पेयर। कितने पेयर बच्चों? 21 पेयर होते हैं, टोटल 42 होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, एक दो और याद कर लो, मटर में, पी में, मटर में होते हैं बच्चों 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स, 7 पेयर क्रोमोसोम्स। ये लो, ये आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा चिंपेंजी का पूछा जाता है, बिल्ली का पूछा जाता है, गेहूं का और मटर का, इसीलिए मैंने आपको ये चारों लिखवा दिए। अब आप फालतू नहीं पूछेंगे कि मेंढक में कितने होते हैं, हाथी में कितने होते हैं, घोड़े में कितने होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। मैम स्क्रीनशॉट नहीं ले जाता? नहीं, हमारी ऐप में प्राइवेसी लगी है, उसमें स्क्रीनशॉट आप नहीं देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट से विजिबल स्क्रीनशॉट आप पाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यहां पर गेहूं वाला भी ज्यादा पूछा जाता है और मटर वाला ज्यादा पूछा जाता है कि मटर में। अब मटर का क्यों पूछा जाता है, तो शायद आपने बचपन में 5th या 6th क्लास में पढ़ा होगा जेनेटिक्स, जो ग्रीक वाला पढ़ा था, है ना। देखो आपने पढ़ा होगा एक कि आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी, आनुवंशिकी। और ये आनुवंशिकी पर किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? तो एक साइंटिस्ट थे ग्रीगर मेंडल, ग्रीगर मेंडल। और मेंडल ने ऐसे, आपने पढ़ा था ना एक ऐसे टेबल बनाई होगी, आपने टेबल बनाई होगी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, बनाया था ना, जिसके ऊपर जेनेटिक्स बनी थी। तो आपसे पूछा गया था कि मटर, ग्रीगर मेंडल ने कौन से पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे? आप बोलेंगे भाई पी पर किए थे, मटर के पौधे पे किए थे। अब पूछा जाता है कि पी पर ही क्यों किया था, कि पी पर, मटर के पौधे पर ही क्यों किया था?
क्योंकि आप बताएंगे मटर के पौधे में सबसे कम क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने पेयर? 7 पेयर। इसीलिए ग्रिगर मेंडल के लिए अपने एक्सपेरिमेंट करना बहुत इजी हो गया था, इसीलिए ड्रोसोफिला का हिंदी ड्रोसोफिला ही होता है, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चूज किया। कभी एग्जाम में आए कि मटर के पौधे पे कौन सी साइंस की ब्रांच पढ़ी जाती है, आप बताएंगे जेनेटिक्स पढ़ी जाती है, उसके फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगर मेंडल। उन्होंने कौन सा पौधा? पी मटर। कितने पेयर क्रोमोसोम्स? 7 जोड़ी क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम ने डिसाइड कर दिया मैम, क्या क्या डिसाइड किया कि लड़का होना है या लड़की होने वाली है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि लड़का होने वाला है, लड़की, तो वो किसने बता दिया? क्रोमोसोम ने। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है आपका एक छोटा सा पॉइंट जीन, नेक्स्ट आपका एक छोटा सा पॉइंट है जीन। ठीक है, पहली बात तो जीन होता क्या है आप बताएंगे? जीन बना हुआ होता है डीएनए के सेगमेंट से, इट इज मेड अप ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कोई सेगमेंट है, टुकड़ा है, उसके ऊपर ऐसे डीएनए के सेगमेंट के ऊपर लगे हुए होते हैं ऐसे जीन लगे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे जीन लगे हुए होते हैं, इनको बोलते हैं, ये बीड जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो बीड जैसी स्ट्रक्चर होती है उनको आप नाम देते हैं जीन। आपने सुना होगा मेरे में मेरे पापा वाले जीन है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है कि जीन की खोज किसने की थी। आप बोलेंगे जीन्स वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन, जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन की खोज की थी। अब बात आती है कि मैम ये जीन काम क्या करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो जीन है वो जेनेटिक करेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। कैसे करेक्टर? जेनेटिक करेक्टर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब मैम ये जेनेटिक करेक्टर क्या होते हैं? आप लिखेंगे आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? ऐसे लक्षण, ऐसे करैक्टर जो आपको पिछली जनरेशन से मिलते हैं, जो आपको पिछली पीढ़ी से मिलते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? उनको आप जेनेटिक करैक्टर बोलते हैं। जैसे आपके बालों का रंग, बालों का रंग मम्मी पे जाएगा या पापा पे जाएगा, तो वो किस जीन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बताएंगे हमारी त्वचा का रंग, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ हेयर्स, नेक्स्ट हमारी आंखों का कलर, आंखों में जो कलरिंग पार्ट होता है, आंखों का रंग हो गया, आपकी हाइट हो गई, आपकी हाइट हो गई, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जेनेटिक करैक्टर होते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप जीन की स्टडी करते हैं उसको आप जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आप लिखेंगे स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। जीन के बारे में अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। आप बताएंगे जीन जो होता है वो एक डीएनए के सेगमेंट के ऊपर जुड़े हुए होते हैं। जीन की खोज जॉनसन ने की। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्रोमोजोम्स होती हैं। और जीन का काम होता है जितने भी हमारे बॉडी में जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे बालों का रंग, हमारी स्किन का कलर, हमारी आंखों का कलर, हमारी हाइट, उसको पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसलिए हमने क्या बोला बच्चों इनको? इनको जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर करने वाली स्ट्रक्चर बोला, राइट? और एक प्रोजेक्ट आया था, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पक्का साइंस एंड टेक में एक प्रोजेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट ने कहा था, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इसने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का मतलब है मानव का शरीर, मानव के शरीर में टोटल जीन का नंबर कितना है, तो इसने बताया था 30,000 जीन होते हैं मानव के शरीर में। सोचिए, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ह्यूमन जीनोम, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन ह्यूमन बॉडी 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए ये बात आप याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया मैम? हमने पढ़ा सेल वॉल, हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा न्यूक्लियस, हमने पढ़ा डीएनए, हमने पढ़ा आरएनए, हमने पढ़ा मैम क्रोमोसोम, हमने पढ़ा जीन। अब नेक्स्ट चलू मैं, अब आप लोग यहां से, मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ, क्या बोल रहे हैं मैम जीन डिसऑर्डर से भी? यस, बच्चा बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीपक, जीन में क्रोमोसोम में म्यूटेशन होने से आपको जेनेटिक डिजीज हो जाती है। मैम साइंस की ल्यूसेंट वाली बुक कैसी रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली आपकी क्लास के साथ वो बुक पढ़नी सही रहेगी क्या? बच्चा कभी भी ल्यूसेंट बुक किसी को भी प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं आपको इस पर नो कॉमेंट्स, ठीक है?
एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आज एमसीक्यू की क्लास यूट्यूब पे चलेगी क्या? नहीं, वो सिर्फ पेड बैचेस है मेरे, तो पेड क्लासेस में ही चलेंगी, ठीक है? तो एमसीक्यू का बैच अगर आपने परचेज कर रखा है तो ही 4 बजे क्लास चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है बच्चा आपको आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। मैम द वैलिडिटी ऑफ साइंस स्पेशल 3 इज अबाउट टू एक्सपायर ऑन 30 नवंबर, प्लीज अवेन। ओके, मैं कर दूंगी शुभम कौशल, डोंट वरी, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी मैनेजमेंट को। जीन इज ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी व्हीकल्स इन ऑर्गेनिजम्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट चंदन। व्हीकल्स मतलब जैसे व्हीकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, वैसे जीन जेनेटिक रिएक्टर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं सूत्रकणिकाएं। कुछ कणिकाएं होती हैं, कुछ सूत्रकणिकाएं होती हैं, ठीक है? चलो आइए, आप माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, देखिए देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आप बताएंगे। पहली बात तो कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी ऑल्टमन नाम के साइंटिस्ट ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी बच्चों? ऑल्टमन नाम के साइंटिस्ट ने की। देखो यहां पर ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने के लिए, मैं आपको एक एक बताती हूं, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि जो प्योरली खोज की थी वो दो साइंटिस्ट ने जुड़ के की थी, ऑल्टमन एंड फ्लेमिंग ने। और कब की थी? इन 1890। ध्यान से सुनना मेरे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहां पर। मैम 30K का मतलब होता है 1000 रुपीज, कुमार 1000, ठीक है? चलिए तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमन और फ्लेमिंग दो नाम के साइंटिस्ट उन्होंने जुड़कर की थी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर सही है, ठीक है? अब अलग अलग बुक्स में बहुत सारी इसकी खोज से थ्योरी लिखी हुई है, मैं सारी लिखवा देती हूं। ऐसा कहा जाता है कि एक कोलिकर नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रथम बार इन्होंने ऑब्जर्व किया माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है? आप बताएंगे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किसने किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय आप बताएंगे कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। कोलिकर ने किस में किया था? आप बताएंगे इंसेक्ट्स में किया था, कीड़े मकोड़ों में किया था, कि भाई कोई ऐसी स्ट्रक्चर है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, ठीक है? लक्ष्मण कांत मोंडल, बिल्कुल ये लाइव क्लास है, प्लीज आप, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि बाद में आए थे एक फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट आए थे बच्चों? फ्लेमिंग नाम के। और इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया, खोज तो की थी बट ये नाम नहीं दे पाए, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम रखा फिला। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है और पूछा जा सकता है। फ्लेमिंग जी ने बोला कि भाई कुछ स्ट्रक्चर है, इनको बोलेंगे हम फिला। बाद में आए ऑल्टमन नाम के साइंटिस्ट। कौन से आए बच्चों? ऑल्टमन नाम के साइंटिस्ट आए। ऑल्टमन बोले कि मैं तो इसका नाम रखूंगा बायोप्लास्ट। आपसे एग्जाम में पूछे ऑल्टमन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या रखा था? बायोप्लास्ट रखा। फिर आए आपके कोलिकर जी। कोलिकर जी तो और भी होशियार पड़े, इन्होंने बोला कि मैं तो इसको ना माइटोकॉन्ड्रिया बोलूंगा ना बायोप्लास्ट बोलूंगा, मैं तो इसको बोलूंगा सैक्रोसोम्स। क्या बोलूंगा? सैक्रोसोम्स बोलूंगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे होंगे मैम हिंदी में क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि मतलब सेम नाम हिंदी में है, ठीक है? अब आए आपके बैंडा जी। बैंडा ने बोला कि ना ये बोलो ना ये बोलो ना ये बोलो, और बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां से नाम क्या पड़ा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया नाम पड़ा। फिर मैं आपको बता दूं एक साइंटिस्ट और आए मेव्स नाम करके, सारे एक एक बात मैं रिपीट करूंगी, डोंट वरी। फिर एक साइंटिस्ट और आए मेव्स नाम के, और ये मेव्स नाम के साइंटिस्ट ने प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। प्लांट सेल में ही ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। प्लांट सेल में सबसे पहले देखा, सबसे पहले। तो आपसे पूछे कि मेव्स, या पूछे कि प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, आप बताएंगे किसने देखा? मेव्स ने देखा। फिर एक साइंटिस्ट का नाम और याद रखना है, उन साइंटिस्ट का नाम था बच्चों बेंसले। उनका नाम था बेंसले। इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए फर्स्ट आइसोलेशन किया माइटोकॉन्ड्रिया को। सेल से ये कोई सेल पकड़ी, उसे निकाल के बाहर रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, खेल ही खत्म, कि देख लो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट आइसोलेशन फ्रॉम लीवर सेल्स। कौन सी सेल्स? लीवर की सेल। सेल तो सेल होती है भाई, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है, ठीक है?
तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट आइसोलेशन फ्रॉम लीवर सेल्स, यकृत की कोशिका से सबसे पहले बाहर निकाला, किसने निकाला? बेंसले ने. अब कितने साइंटिस्ट के नाम याद हो गए. मैम हम कैसे नाम याद करें इतने सारे साइंटिस्ट? देखो कैसे याद करें बच्चों, आप एक बार रिपीट करवाती हूं. देखो अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो मैं आपको बता दूं आपका जो प्योरली आंसर होगा वो होगा यहां पर ऑल्टमन नाम के साइंटिस्ट ने खोज की थी. और नाम पूछे तो आप बता देंगे नाम दिया था बेंडा ने, BENDA बेंडा ने, ठीक है. बट आपसे पूछे सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया कि भाई ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिनको आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, आप बताएंगे कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, किसमें? कीड़े मकोड़ों में. फिर आए फ्लेमिंग जी, ये बोले भाई ये जो स्ट्रक्चर है मैं तो इसका नाम क्या रखूंगा, फिला. फिर आए ऑल्टमन, बोले कि मैंने बताया ऐसी कोई स्ट्रक्चर है बट मैं इसका नाम बायोप्लास्ट रखूंगा. ना ये चल पाया ना ये चल पाया. फिर कोलिकर जी ने बोला मैं इसका नाम सैक्रोसोम रखूंगा, ये भी नहीं चल पाया. फिर बेंडा आए, उन्होंने कहा इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख लो अच्छा होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया आज तक चला आ रहा है, ठीक है. उसके बाद पूछा गया, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने वाले कौन थे, मेव्स नाम के साइंटिस्ट. फिर पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कौन सी सेल से बाहर निकाला गया था, आइसोलेट किया गया था, आप बताएंगे लीवर की सेल से, और किसने? बेंसले ने. डाउट क्लियर हो गया? इतना डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सबको, ठीक है. इतने सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ऐसा कहा जाता है 1890 में, 1890 में इसकी खोज हुई थी. ये तो चलो सारी डिस्कवरी के पॉइंट हो गए, ठीक है. हाँ बेंडा का फुल नाम कोलिकर बेंडा ही है, ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट बात आती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, हम बहुत सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, जरा ध्यान से सुनिएगा एक एक करके. सबसे पहला आपको पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है. आप डबल मेम्ब्रेन का मतलब समझते हैं? दो झिल्लियां होती हैं इसके ऊपर. कितनी झिल्ली होंगी इसके ऊपर बच्चों? मैम इसके ऊपर दो झिल्ली होंगी. कैसे मैम? एक ऐसे होगी मैम और एक ऐसे अंदर की साइड होगी मैम. तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. दूसरा आप बताएंगे कि इसका डायमीटर कितना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, पूछा हुआ बच्चों. आप बताएंगे 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर का होता है. कितना? 0.2 पहले लिखो, हाँ 0.2 टू 0.1 माइक्रोमीटर का क्या होता है, इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है. दूसरा आपसे पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, आप बताएंगे कि इसकी लंबाई होती है 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर. तो लिखेंगे आप 1.0 टू 4.0 या 4. कभी कभी ना 1 लिखा हुआ होता है, वो भी आप सही कर देंगे. माइक्रोमीटर लेंथ 0.2 0.1 माइक्रोमीटर, और डायमीटर पूछे तो इतना और लेंथ पूछे तो इतनी. वैसे ये पूछा नहीं जाता है ना, ये तो मैं ऐसे ही लिखवा रही हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो मैं भी लिखवा देती हूँ. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है. याद रखिएगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, आप बताएंगे यस. आप बताएंगे डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए पाया जाता है. अब यहां पर कैसा डीएनए है आप बताएंगे, यहां पर जो डीएनए बच्चों वो सर्क्यूलर डीएनए है. कैसा है? वो गोल आकार का है, सर्क्यूलर. कैसा? देखो कैसा, आप देखिएगा ऐसा ऐसा होता है, सर्क्यूलर डीएनए होते हैं इसके अंदर, ठीक है. तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्क्यूलर डीएनए सेल के कौन से कंपोनेंट के पास होते हैं, आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? शुभम शर्मा आप अपनी प्रॉब्लम बताएं जरा, ठीक है. आप क्या बताएंगे बच्चों? आप बताएंगे डीएनए के अंदर सर्क्यूलर गोला डीएनए होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताना है, जरा ध्यान से सुनना. इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है बच्चों, इसका नाम होता है सेल विद इन सेल. अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना. इसको कहा जाता है कोशिका के साथ कोशिका, इसको कहा जाता है कोशिका के साथ कोशिका,
शुभम शर्मा कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप? इसको कहा जाता है बच्चों कोशिका के साथ कोशिका, कोशिका के साथ कोशिका, या कहा जाता है कोशिका के अंदर कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया आपसे एग्जाम में पूछे सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं, आप क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों उसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। और बच्चों मैंने कल बताया था जब भी राइबोसोम टर्म देखो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसके पास खुद का डीएनए है और खुद का क्या है प्रोटीन राइबोसोम है, तो ये क्या कर सकता है मैम? ये डीएनए टू डीएनए बहुत सारे डीएनए बना सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है और ये प्रोटीन बना सकता है। तो मैम यही काम तो सेल के होते हैं, जो काम एक सेल के होते हैं वही काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सेल विद इन सेल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेल का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसको सेल विद इन सेल कहा जाता है। दो होते हैं, एक आगे बताऊंगी कौन सा, आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, तो ये प्रोटीन भी बना सकता है और एक डीएनए को रेप्लिकेट करके आगे बहुत सारे डीएनए बना सकता है, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। ठीक है मैम, एमसीक्यू वाला बैच लेना है आप ले सकते हैं। शुभम शर्मा आप थोड़ी बकवास कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप बोल रहे साइंस एंड साइंस स्पेशल 5 की वैलिडिटी 2020 कर दी है, अभी तो बैच चल रहा है, अभी तो बैच चल रहा है और जब बैच खत्म हो जाएगा तो आपको 1.5 से 2 महीना आगे ज्यादा मिलेगा टाइम देखने का, तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो शुभम शर्मा, आपके लिए अच्छा होगा। जनवरी बहुत दूर है अभी, ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इसको कहा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है, इसको कहा जाता है बच्चों, इसका नाम होता है सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बच्चों सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे कि इसका नाम क्या होता है, इसको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, कोशिकांग। देखो इसका मतलब क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला इसके पास डीएनए खुद का काम खुद कर लेता है बेचारा, प्रोटीन बना लेता है, जो अपना काम खुद कर ले उसको हम यहां पर कहेंगे सेमी ऑटोनोमस बॉडी, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। आपसे एग्जाम में पूछे सेल का कौन सा कंपोनेंट सेल विद इन सेल कहलाता है, आप क्या बताएंगे बच्चों? आप क्या बताएंगे? वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेमी ऑटोनोमस बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे क्वेश्चंस आप किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। चलो मैम ये भी हम बता देंगे एग्जाम में कि इसको क्यों बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। नेक्स्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट आप बोलोगे कि ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप पावर हाउस बोलते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस, या बच्चों आप इसका नाम लिख सकते हैं एनर्जी हाउस। इसका नाम क्या हो सकता है? एनर्जी हाउस। कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ध्यान से सुनना मेरे एक एक पॉइंट, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ऊर्जा घर, वो घर जिसके पास ऊर्जा है। अब क्यों कहते हैं मैम इसको ऊर्जा घर? तो जरा ध्यान से सुनो, आप एक एक लाइन मेरी ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पर एक प्रोसेस होता है। और कौन सा प्रोसेस होता है आप बताओगे? सेल्यूलर रेस्पायरेशन। कौन सा प्रोसेस होता है एक बार फिर रिपीट करना? सेल्यूलर रेस्पायरेशन, हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कौन सा प्रोसेस होता है? कोशिकीय श्वसन होता है यहाँ पे। अब मैम ये सेलुलर रेस्पायरेशन का मीनिंग क्या होता है आप हमें ये बताओ तो थोड़ा अच्छा लगे। सेलुलर का मतलब होता है कोशिका के अंदर होने वाला, रेस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। अब बात ये आती है कि रेस्पायरेशन क्या होता है, मैंने आपको आज बहुत बार बताया भी होगा शायद, आज मैं लास्ट टाइम बता रही हूं कि रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना,
रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, ये ग्लूकोज है। ऑक्सीडेशन कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मैम मेरा साइंस स्पेशल वाला वीडियो हटा दिया गया है विशाल, हमारी ऐप अपडेट हुई है, आप एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दीजिए और आपके सारे के सारे बैचेस विजिबल हो जाएंगे आपको, डोंट वरी, ठीक है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। बच्चों रेस्पिरेशन क्या होता है, मैं एक बार फिर और बता रही हूँ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा का एटीपी के रूप में बनना। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है बच्चों? ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम क्या पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैम आप ये कहना चाह रही है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बना है, और एटीपी क्या होता है बच्चों? ऊर्जा। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बना भी है और यहीं पर ये एटीपी क्या हो जाता है? स्टोर भी हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी। एनर्जी है तो उसके पास क्या है बच्चों? पावर। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। आप क्या याद रखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा का संग्रह है एटीपी के रूप में होता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इन द माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। अब बात आती है कि थोड़ा सा मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बातें और बताऊं, तो देखो जरा क्या क्या बातें बताऊं। इसके अंदर कैसे बनती है एनर्जी? मैम आपने बोला एनर्जी बनती है, बिल्कुल सही बोला। ऐसी स्ट्रक्चर होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की, ऐसे एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बच्चों, और एक ये इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, और इस इनर वाली मेम्ब्रेन में इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। इस आउटर मेम्ब्रेन का नाम होता है बच्चों क्रिस्टे, इसको बोलते हैं बच्चों क्रिस्टे। जो बाहरी झिल्ली है हिंदी में बोलते हैं इसको वलकुट, जो अंदर वाली होती है बच्चों इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं अंतस्थ भाग। क्या बोलते हैं? अंतस्थ भाग। इस वाले पार्ट में कौन सा प्रोसेस होता है? ये तो इस वाले पार्ट में यहां पर क्या बन रहा है बच्चों? ये क्या स्टोर हो रहा है? आप क्या बताएंगे? ये एटीपी स्टोर हो रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम एटीपी क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, अगर एटीपी नहीं जानते हैं आप तो। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, हम खर्च करते हैं वो ऊर्जा, वो हम किसके फॉर्म में करते हैं? एटीपी के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। ये बात आप बता देंगे। अब नेक्स्ट बात आती है यहां पर कि जो क्रिस्टे होती है, ये जो क्रिस्टे है, इस क्रिस्टे को प्लांट सेल में, ध्यान से सुनना, ये प्लांट सेल में, प्लांट सेल का मतलब क्या होता है? पादप कोशिका। देखो हमारे बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे बोलते हैं, बट प्लांट में जो भी ऐसी मेम्ब्रेन होती है क्रिस्टे जैसी, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ट्यूब्यूली। उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्यूब्यूली कहते हैं, ट्यूब्यूली नाम दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में कभी पूछ ले ट्यूब्यूली क्या होता है, किसमें होता है, आप क्या बताएंगे? प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर झिल्ली होती है उसको मैम हम ट्यूब्यूली नाम देते हैं। उसको हम कैसा नाम देते हैं? ट्यूब्यूली नाम देते हैं। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये आउटर मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई होती है? ये आउटर मेम्ब्रेन जो क्रिस्टे आप बता रहे हैं और जो प्लांट में ट्यूब्यूली होती है, ये किसकी मिलकर बनी हुई होती है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो आप बताएंगे जो क्रिस्टे है ना वो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। किसकी? प्रोटीन प्लस लिपिड्स की बनी हुई होती है। और याद करो मेरी लास्ट क्लास मैंने कहा था प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी हुई स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दे सकते हैं? मैम हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्लांट में क्रिस्टे को क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूली। क्रिस्टे किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड्स की।
कैसे मैम ये जो क्रिस्टे का जब आप इंटरनल एनाटॉमी करेंगे कट करेंगे तो आपको बच्चों इसमें कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, देखिए ऐसे सा ऐसे जलकर, ये जो क्रिस्टे है ना ऐसे ऐसे इसके अंदर प्रोटीन्स और फैट लगी हुई होती है ऐसे, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जो क्रिस्टे है उसके ऊपर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स लगे हुए हैं बच्चों वो कौन से होते हैं, वो लाइपो या लीपो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलो अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन क्या होती है। चलो बच्चों बता देते हैं, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है और ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस, राइट बोल रहा हूं, बता दिया मैंने आपका डाउट ले लिया है। चलिए इतने सारे पॉइंट्स आप क्या बताएंगे किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछे सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पे कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो, आउटर का नाम क्रिस्टे, प्लांट में क्रिस्टे को क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूली, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कौन सा प्रोसेस होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या बनता है, एनर्जी, किसकी फॉर्म में, एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, वो इतना सारा झमेला था वो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, राइट। चलो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपसे पूछे सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं, आप क्या बताएंगे, सेल विद इन सेल किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। एक पॉइंट और याद रखो माइटोकॉन्ड्रिया से, बड़ा अच्छा पॉइंट लिखवा रही हूं मैं आपको बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेल का लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है, सेल का लार्जेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस, सेल में सबसे बड़ा क्या होता है, न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का, कोशिका का दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा भाग पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट सबसे बड़ा पूछे तो आप क्या बताएंगे बच्चों, वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। 1 ATP इज इक्वल टू 7.3 किलो कैलोरी, विजय कुमार सोनी, राइट। चलिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, वो अपने काम खुद करती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं हम कॉम्पोनेंट पे, कौन सा हम लिखेंगे बच्चों, मैं आपको एंड में ना गूगल से एक वो डायग्राम निकाल के सेल का दिखाऊंगी सारे एक एक, डोंट वरी, अभी रुक जाओ, ठीक है। यस स्वरूप आपका आंसर है यस मैम, सेल विद इन सेल आपने क्रोमोप्लास्ट बताया था ना, तो अभी मुझे क्रोमोप्लास्ट पे आने तो दो यार, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ो, आप मुझसे आगे चला करो यार, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे टीचर बनने का काम क्यों करते हैं, हाँ मुझे पढ़ाने दो यार। आराम से सुनो, आपका काम है सुनना, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप लाइसोसोम्स, हिंदी में क्या नाम होगा मैम, हिंदी में बोलेंगे लाइसोसोम, डोंट वरी मैं एक एक का लोकेशन दिखाऊंगी आपको। मैम विंडो ऐप पर क्लास क्यों नहीं चल रही है और ऐप पर वीडियो क्वालिटी कम क्यों नहीं होता है, राहुल सिंह मैं आपको बता दूं, जितना क्वालिटी आपको यूट्यूब दे रहा है, हमने सेम सर्वर यूट्यूब का लगा रखा है, यूट्यूब हमें जो जो फैसिलिटी देगा वही हम आपको दे सकते हैं, तो प्लीज आप अनवांटेड डिमांड ना करें, जो भी आपको मिल रहा है उसके अंदर आप खुश रहना सीखें, ठीक है। अपनी अनवांटेड डिमांड क्रिएट ना करें, यहाँ पे हमें यूट्यूब ने जो दे रखा है ऑप्शन वो हमने आपको दे रखा है, अब इससे कम आपको ऑप्शन देंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने यूट्यूब का सर्वर लगा रखा है, जितना नेट आप यूट्यूब पे वीडियो देखने में खर्च करते हैं उतना आप टाइम्स की वीडियो देखने में खर्च करते हैं बच्चों, ठीक है। मैं गांव से हूं, मैंने पहली बार इतने अच्छे से बायोलॉजी नहीं पढ़ी थी, हम आपके लिए आप इतना ताबड़तोड़ मेहनत करती हैं, आपकी ऊर्जा देखती बनती है, इसलिए हम कमिटमेंट करते हैं कि हम लोग भी आपको NTPC में सेलेक्शन देंगे। मैम हैट्स ऑफ यू, नाइस थिंकिंग, ओके थैंक यू वेरी मच शुभम कौशल, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे NTPC में सिलेक्शन लेंगे। मैम जिंदा आदमी पानी में डूबकर मर जाता है पर मरने के बाद लाश तैरता है क्यों, क्योंकि लक्ष्मीकांत मंडल इसका आंसर देंगे अंकुर वशिष्ठ सर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाऊंगी मास वाला, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो मैम नोट्स कैसे बनाए, इतने फास्ट है तो आप नोट्स कैसे बनाए, तो बच्चों नोट्स आप वीडियो बाद में देख के बना लीजिए, ठीक है।
रेहान कह रहे हैं मैम मेरा कमेंट बंद करवा दो. अब मैं कौन होती हूँ आपका कमेंट बंद करवाने वाली, आप खुद मत करो वहां से कमेंट. मैम मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, प्लीज बताइए अप्रोक्स कितना टाइम दिन में बायोलॉजी हो जाएगा. देखिए मैं ना यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाती हूँ कम से कम 45 to 55 hours. अब आप मुझे डेली डेली ना पूछे कि आपको आपका सिलेबस कब खत्म होगा. मैं इतने घंटे पढ़ाऊंगी, जब इतने घंटे हो जाएंगे उसके बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो मैं नहीं बोल सकती अभी. मैम बैक वाली क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है. कौन सा चैप्टर है सनी, एक बार मुझे बता दीजिए. जो चैप्टर नहीं मिला है वो मिल जाएगा, डोंट वरी. डियर मैम आप एनर्जी ना हुआ, आप एनर्जी वेस्ट ना किया करो इन लोगों पे. अच्छा ठीक है मैम. साइंस स्पेशल 4 में हार्ट का पार्ट रह गया है, प्लीज तो करवा दो. अरे यार हार्ट कंप्लीट हो गया साइंस स्पेशल 4 में, आप लोग पता नहीं कहां से बातें लाते हैं ऐसे. चलो लास्ट में बातें करेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे हम. आज लाइव जो हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद कुछ बातें करेंगे. ठीक है चलो. आप लोग ना अपने एक डाउट या आपके जो क्वेश्चन है, आपकी इंक्वायरी, आप एक पेज पर लिख लो. अभी मुझे 20 मिनट पढ़ाने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगी कुछ. लाइजोसोम पे आओ बच्चों. पहला लाइजोसोम की खोज किसने की? तो लाइजोसोम की खोज की थी बच्चों डी डूवे नाम के साइंटिस्ट ने. हिंदी में डी डूव लिखा जाता है. ठीक है नेक्स्ट आप बोलेंगे कि एक बैग जैसी स्ट्रक्चर है. बैग का मतलब होता है थैली जैसी स्ट्रक्चर है. इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती है आप बताओगे? इसके ऊपर एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. ठीक है इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन? एक ही मेम्ब्रेन होगी, एक ही झिल्ली होगी, ऐसे एक ही झिल्ली होगी, डबल नहीं होगी यहाँ पर. ठीक है नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि इसके नाम क्या होते हैं. बच्चों इसको बहुत सारे नाम बोला जाता है. देखो इसके अदर नेम क्या क्या होते हैं. एग्जाम में किसी भी नाम से आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है. देखो इसके कितने सारे नाम है, सब लिख दूं मैं? अलग पेन से लिखती हूँ ताकि थोड़ा आपको जल्दी याद हो, नहीं याद होता है तो फिर मैं तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है चलो. सबसे पहला इसको बोलते हैं बच्चों सुसाइडल बैग. क्या बोलते हैं इसको? आत्मघाती थैली, अपने आप को मारने वाली थैली. सुसाइड करने में, सुसाइड क्या होता है? अपने आप को मारना या अपनी सेल को मारना. ठीक है नेक्स्ट यहां पर आता है बच्चों इसको बोलते हैं डिस्पोजल बैग. डिस्पोजल बैग समझते हैं आप? जैसे आप डिस्पोजल बैग, डस्टबिन, डस्टबिन काइंड ऑफ डस्टबिन, डिस्पोजल बैग रखते हैं ना छोटा सा. नेक्स्ट इसको बोलते हैं बच्चा सफाई कर्मी, स्क्वेंजर ऑफ सेल, स्क्वेंजर ऑफ सेल, सफाई, सफाई करने वाला, सफाई करता है. आप किसकी सफाई करते हैं वो तो बातें बताऊंगी. ठीक है नेक्स्ट इसका नाम क्या होता है? इसको एट, ये सारे नाम सेल आगे लगा देना, ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ऑफ द सेल. इसको बोलते हैं बच्चों एटम बॉम्ब. अब एटम बॉम्ब का मतलब वो नहीं है जो पूरा ब्लास्ट होगा ना, वो वाला नहीं है. ठीक है चलो. इसको बोलते हैं परमाणु बम, सेल का परमाणु बम. अब इतने सारे नाम आपसे पूछ जाए, इनके सबका आंसर क्या होगा आप बताएंगे? सबका आंसर क्या होगा बच्चों? लाइसोसोम होगा. ठीक है अब ये सारे नाम में समझ में आएंगे आपको कि क्यों बोलते हैं इतने सारे नाम. पहले तो हम कुछ और बातें पढ़ेंगे इसके बारे में. एक क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम कौन कौन सी सेल्स में नहीं होता है, कौन कौन सी सेल्स में नहीं होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें बता रही हूं मैं. पहला पॉइंट तो आप लिखेंगे बच्चों कि लाइसोसोम्स आर रेयर इन प्लांट, आर रेयर इन प्लांट सेल. देखो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत रेयर पाया जाता है. आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिकाओं में क्या रेगुलरली लाइसोसोम्स होते हैं? आप बोलेंगे नहीं, पादप कोशिकाओं में कभी कभी उपस्थित होते हैं. कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर लाइसोसोम्स होंगे. अब वो कौन से होते हैं वो यहाँ की बात नहीं, वो प्लांट के बाद बात करेंगे. इसके अलावा मैं बता दूं जो आपका आपका लाइसोसोम है वो किसके अंदर नहीं होता है. आप बताओगे आरबीसी के अंदर भी लाइसोसोम नहीं होता है. दो पॉइंट आपने नोट किए कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो प्लांट सेल में रेयर होते हैं, कभी कभी होंगे. ठीक है नेक्स्ट आप बताएंगे कि आरबीसी ऐसी सेल्स है जिनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता. और एक कल की क्लास का पॉइंट बताऊं मैं, मैंने बताया था आरबीसी में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस. बेचारी आरबीसी के पास ना न्यूक्लियस है और ना ही क्या है, लाइसोसोम है. बता देंगे, ये तो रेयर की बात हो गई. अब मैम वो कौन कौन सी सेल्स हैं जिनमें आपके लाइसोसोम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन. सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स किसमें, कौन कौन सी सेल्स में होते हैं? तो जरा एक एक करके नाम लिखना स्टार्ट करेंगे आप कि सब में सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स किसमें होते हैं, कौन कौन सी सेल्स में. पहला आप लिखेंगे बच्चों डब्ल्यू बी सी. डब्ल्यू बी सी बहुत ज्यादा लाइसोसोम्स होते हैं.
दूसरा आप लिखेंगे हमारा जो लार होता है ना, सलाइवा, लार थूक जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारा लाइसोसोम होता है। तीसरा आप लिखेंगे यहां पर कूफर सेल्स। अब मैम ये कूफर सेल्स क्या होती है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कूफर सेल्स लीवर में होती है। कहां होती है बच्चों? यकृत में। अब ये होती क्या है तो लीवर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो। आप किसके अंदर होता है लाइसोसोम सबसे ज्यादा? आप बताएंगे ये होता है पैनक्रियाज और किडनी में भी बहुत होते हैं ये। आप बताएंगे हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय से बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे ये किडनी सेल्स के पास भी बहुत ज्यादा होते हैं, किडनी को हिंदी में वृक्क लिखा जाता है। नेक्स्ट बताएंगे आप जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं। अब मैम ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स किसकी होती हैं बच्चों? जब भी ऑस्टियो टर्म देखो आप बोन वाला ऑप्शन ले लो, हड्डियों में जो सेल्स होती है उनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोलते हैं। एक ऑर्गन और होता है बच्चों जिसको आप नाम देते हैं स्प्लीन। अब ये स्प्लीन क्या होता है क्या नहीं होता बाद की बातें हैं, अभी नहीं। और स्प्लीन को हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। इन सब में बहुत ज्यादा लाइसोसोम होता है। बट कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी सेल्स में सबसे ज्यादा लाइसोसोम होता है, आप बताएंगे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। और सबसे कम या ना के बराबर किस में होते हैं? RBC में और प्लांट सेल में ना के बराबर होते हैं। ये आपके पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट थे, ठीक है, आप याद रख लेंगे। चलिए अब बात आती है कि मैम आपने इसको क्या बोला है, आपने बोला है, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम एक सेल में कितने लाइसोसोम होते हैं। ऐसा कहा जाता है बच्चों कि 2000 लाइसोसोम पर सेल में होते हैं। अब आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में तो ट्रिलियंस नंबर में सेल्स है, तो कितने ज्यादा लाइसोसोम होगा, ठीक है। एक सेल में ऐसा कहा जाता है ऑन एन एवरेज 2000 लाइसोसोम्स होते हैं। अब मैम इसको हमने बोला है क्या सुसाइड करने वाला बैग, और सुसाइड क्या होता है मैम? आत्मघाती, अपने आप को मारना, आत्महत्या, आत्महत्या करना। अब मैम आपने इसको क्यों बोला है सुसाइडल बोग, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एक लाइसोसोम बनाया है मैम ने, इस लाइसोसोम के अंदर लिक्विड फॉर्म में कुछ एंजाइम्स होते हैं बच्चों। कौन से एंजाइम्स होते हैं आप बताओगे? इन एंजाइम्स का नाम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम बच्चा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और हिंदी में बोलते हैं अपघटीय एंजाइम एंजाइम। और इन एंजाइम्स का पीएच वैल्यू होता है बच्चों 4 से 5। जब 4 से 5 पीएच वैल्यू है तो इनका नेचर क्या है बच्चों? एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या है बच्चों? आप बताएंगे एसिडिक का मतलब क्या है बच्चों? अम्लीय है, अम्लीय है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से सुनो इसका काम क्या होता है। इसका काम, पहला काम, इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन का काम करता है। इंटरसेल्यूलर डाइजेशन किसके अंदर मैम? सेल के अंदर। हिंदी में लिखेंगे कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर आंतरिक पाचन, आंतरिक पचाने का काम करता है। देखो एक तो डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? हमारे मुंह में होता है, हमारे पेट में होता है, हमारे आंत में होता है ना, इन सब में होता है। दूसरा डाइजेशन सेल्स के अंदर कहाँ होता है आप बताओगे? सेल के अंदर डाइजेशन का काम कौन करते हैं? लाइसोसोम करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपसे पूछे इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ हो रहा है, आप क्या बताएंगे? किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। अब नेक्स्ट बात सुनो मेरी, इसके ध्यान से सुनना नेक्स्ट मेरी बात कि यहां पर होता क्या है, इस लाइसोसोम के अंदर क्या होता है। इस लाइसोसोम का जो पीएच वैल्यू ना बच्चों वो होता है 4 से 5, और 4 से 5 का मतलब क्या है? वो किस फॉर्म में है? वो एसिडिक फॉर्म में है, मतलब वो किस में है? वो एसिडिक है। अब इस लाइसोसोम के अंदर आप ध्यान से सुनो, आप इसको ऐसे समझो ये एक सेल है मैम, इस सेल में यहां क्या है मैम? एक लाइसोसोम है। इस सेल के अंदर बाहर से बहुत सारे क्या आ गए? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ गए, अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए, हानिकारक पदार्थ हो गया, बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया।
जैसे ये बैक्टीरिया वायरस इस लाइसोसोम के अंदर आएंगे, यहां टकराएंगे, यहां टकराते इनको मिलेगी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये एंजाइम का पीएच वैल्यू इतना होता है, और इस पीएच वैल्यू में बैक्टीरिया वायरस सब मर जाएंगे। कहने का मतलब है मैम, बाहर से आए हुए अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते थे, उनको मारने का काम किसने कर दिया? आप बताएंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ने। और ये एंजाइम्स किसके पास हैं? आप क्या बताएंगे? ये किसके पास हैं? लाइसोसोम्स। तो बाहर से आई हुई गंदगी को साफ करना, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था? स्क्वेंजर, या इसको डिस्पोजल बैग बोला था, है ना। सफाई करनी क्यों बोला? क्योंकि बाहर से आने वाली खराब चीजों की सफाई कर देता है, कचरा है ये बाहर से आने वाला, इसकी सफाई कर दी इसने। बट कभी कभी क्या होता है, ये एंजाइम्स, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ये इतना ज्यादा बनते हैं, इतना ज्यादा बनता है कि ये जो लाइसोसोम की मैम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, और ये मैम्ब्रेन फट जाती है। इतने ज्यादा बनते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कि इसकी मैम्ब्रेन के ऊपर सबको खा जाएंगे, उन सबको मार देंगे ये। तो जिस सेल के अंदर रह रहा था उस सेल को भी मार दिया, अपने आप को फट गया तो अपने आप को भी मार लिया। और अपने आप को मारना क्या कहलाता है? सुसाइड करना कहलाता है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इसको सुसाइड करने वाली थैली, सुसाइडल बैग बोला, आत्मघाती थैली बोला। आप क्या लिखोगे अपनी बुक में कि लाइसोसोम के अंदर कुछ अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं, एंड एंजाइम का कार्य बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना है, लेकिन कभी कभी ये एंजाइम इतने ज्यादा बनते हैं कि जिसके दबाव के कारण इसकी झिल्ली फट जाती है, और ये एंजाइम कोशिका में चारों तरफ घूमते हैं और कोशिका के सारे पार्टिकल्स को, सारे पार्ट्स को नष्ट कर देते हैं, और अपनी सेल का सुसाइड कर देते। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? कि लाइसोसोम्स हैविंग सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट द अनवांटेड पार्टिकल्स, बट समटाइम्स दीज एंजाइम्स कैन सेक्रेट इन ह्यूज अमाउंट, सो देन दे कैन डाइजेस्ट द एंटायर सेल, एज दिस इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नोट्स आप अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, कपिल, यस दिस इज लाइव क्लास। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। देखो एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेल के कौन से कंपोनेंट के पास होते हैं। बच्चों आपका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम के पास होते हैं। ये किस नेचर के होते हैं? ये 4 से 5 के होते हैं। ठीक है, कमल पूछ रहे हैं मैम एंजाइम ज्यादा क्यों हो जाते हैं जब इस लाइसोसोम के अंदर या इस सेल के अंदर कोई चेंज हो जाता है, है ना, कोई प्रॉपर तरीके से कोई डिजीज हो जाती है, या ये सेल्स ज्यादा नंबर में बनते हैं, ज्यादा लाइसोसोम बनते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों? आप बता देंगे क्या क्या हो गया? ये लाइसोसोम। अब एक पॉइंट लिखवा रही हूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट लिखवा रही हूं, ये लो स्टार करके, ध्यान से सुनिएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडी। क्या मतलब हो गया? ये गोल्जी काय के टूटने से बनते हैं। क्या मतलब हो गया इसका मैम? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्गी बॉडी। जब गोल्गी बॉडी टूटते हैं, ठीक है, जब गोल्गी बॉडी टूटते हैं तो क्या बनते हैं? लाइसोसोम बनते हैं। कैसे मैम? जरा बताइएगा, देखिएगा जरा कैसे। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप गोल्जी काय कहते हैं, या गोल्गी बॉडी इंग्लिश में कहते हैं, और जब ये यहां से टूट जाती हैं तो ऐसे टूट कर ये लाइसोसोम्स बनाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर लेना इसको, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा लाइसोसोम किसके ब्रेकडाउन से बनते हैं। आपका आंसर आना चाहिए कि किसके ब्रेकडाउन से? आप बताएंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के टूटने से बनते हैं। अब मैम ये गोल्जी बॉडी क्या होते हैं? तो ये तो बात का चैप्टर है, ये तो मतलब बात का पॉइंट है, अभी हमें इतना नहीं देखना है। अब बताइए, यहां तक आपको कोई डाउट हो तो कुछ पॉइंट बताइए, कोई डाउट हो तो आप जल्दी से मुझे बताएं। और अब आप एक एक करके, अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको, अगली क्लास के लिए आप लिख के छोड़ दीजिए, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी,
गोलजी काय, गोलजी काय, ठीक है। अब अपनी एक एक करके प्रॉब्लम बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन दूं। पहले मेरे से तीन चार अनाउंसमेंट सुन लें आप। जो बच्चे एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी बैच टू के बच्चे हैं, एनटीपीसी बैच टू में जिन्होंने एनरोलमेंट करवाया है, उन बच्चों की टाइमिंग सुन लीजिए आप बच्चों। जब आप बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ेंगे, मतलब आप साइंस वाला पार्ट पढ़ेंगे, तब आपको आना है लाइव कितने बजे पे, 12 से 2 PM। जब आप पढ़ेंगे क्या रीजनिंग प्लस आप पढ़ेंगे मैथ्स, तो आपको अगर लाइव क्लास देखनी है तो आप कितने बजे से देख सकते हैं, 8 से 10 PM। दूसरा, जिन बच्चों को कुछ बैचेस में प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मैंने साइंस स्पेशल 4 लिया था, 5 लिया था, जीएस लिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई बैच मुझे नहीं दिख रहा है, आप ऐप को कीजिए अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल करके और देन कीजिए आप रीइंस्टॉल, देन आप कीजिए रीइंस्टॉल, आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमने हमारी ऐप को थोड़ा सा अपडेट किया है। पहले हमारी ऐप में 2 ऑप्शन आते थे, एक होम का, एक लाइव क्लास का। अब हमने तीसरा डलवा दिया है वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। अगर आपने वीओडी परचेज कर रखा है, आप इस क्लास में जाएं, इस सेक्शन में जाएं, इसमें लाइव क्लास के लिए जाएं, होम पे आपको शेड्यूल मिलता है हमारी क्लास का। मैम हैप्लोइड डिप्लोइड सब बताऊंगी, डोंट वरी राहुल राज, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। आप बताओ कोई डाउट हो तो इसके अलावा। अब आपकी बात आती है कि मैम क्वालिटी बढ़ा दो। अब क्वालिटी पर मैं अगर बात करूं तो बच्चों जो क्वालिटी यूट्यूब देता है वही सर्वर हमारा लगा हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन यूट्यूब अपडेट करेगा उस दिन हम लोग भी क्वालिटी अपडेट कर देंगे। अब यूट्यूब तो मेरे मामा का है नहीं कि मैं अपने मामा को फोन लगाऊं और वो कह दे भाई ठीक है कर देंगे बेटा, तो वो हो ही नहीं सकता। वो आपकी अनवांटेड डिमांड है, वो हमारे बस की नहीं है, राइट। नेक्स्ट सुनो आप, नेक्स्ट प्रॉब्लम, बच्चा बार बार बोलता है क्या मैं लाइव हूं, क्या मैं लाइव हूं, क्या मेरा नाम दिख रहा है, क्या मेरा नाम दिख रहा है, क्या मेरा नाम दिख रहा है, क्या मैं लाइव हूं। तो बच्चों मैं यहां पर आपको पढ़ाने आई हूं, मैं आपको ये बताने नहीं आई हूं कि आप लाइव है या आपका नाम दिख रहा है क्या। मुझे ना आपके नाम से मतलब है, ना मुझे आपके लाइव दिखने से मतलब है, मुझे इस चीज से मतलब है जो मैं पढ़ा रही हूं वो आपको दिख जाए और वो आप एग्जाम में बस कर दे और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब तीसरा बच्चा आया है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दो, ये हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, ये अवेलेबल करवाऊंगी ऐप में, तो आप साथ साथ में मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन करना पड़ेगा, और अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करूंगी तो मेरी वीडियो हर बंदा या मेरी क्या हमारे कोचिंग की जो प्राइवेसी है वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन कभी नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। एक कहता है कि मैम वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन दे दो। वीडियो डाउनलोड अगर दे दूंगी तो इतना तो मैच्योर हो यार, आप लोग कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको मैं वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन दे दूंगी तो हमारी कोचिंग का अगला बैच में कोई बच्चा क्यों आएगा। अगर डाउनलोड से आपके पास पढ़ रहेंगे तो सालों साल आप देखेंगे। आज से 10 महीने पहले मैंने मूवी डाउनलोड की थी, वो आज भी देख रही हूं मैं। तो क्या कोई कोचिंग संस्थान इस चीज को दे सकता है जो आप मुझसे अनवांटेड डिमांड करते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है मैं मेरा कमेंट नहीं आ रहा है, तो अगर आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने के लिए कमेंट कर रहे हैं तो अच्छा है, आपका कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे से मत बोलो ऐसी बातें, क्योंकि मैं 2 घंटे आती हूं तो मेरा एटलीस्ट मेरा मोटो रहता है कि 1 घंटे 50 मिनट तो मैं पढ़ाऊं बच्चों को, ठीक है। तो प्लीज यार ऐसी बातें आप मैच्योर बनो थोड़ा सा। अब एक बच्चा पूछता है मैम पीडीएफ मिलेगी क्या, तो मैं आपको बता दूं बैच जो आपका चैप्टर है वो खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिलती है, और मान लो एक्स वाई जेड रीजन से आपको पीडीएफ नहीं मिल पाई, एक एक चीज टीचर बोर्ड पे लिखता है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कॉपी में नोट्स बना लो ताकि आपके दिमाग में भी यहां पे फीड हो जाए हमेशा के लिए। गौतम गोयल बोलिए आप क्या कह रहे हैं, जो चीज आप अपने हाथ से लिखोगे ना वो आप 10 बार अगर आप नोट से पढ़ोगे ना
10 बार नोट से पढ़ना एक बराबर, हाथ से लिखना एक बराबर होता है। याद रखिएगा। अब बोलिए जरा तीसरी और कोई डिमांड आपके, मैं बायोलॉजी का बुक कौन सा बाय करें? आप जो भी आपको मार्केट में अच्छी बुक लगे, मेरे लिए कोई अच्छी नहीं कोई बुरी नहीं, सब है। मैम आप डिजिटल इंडिया को सार्थक बना रही हैं, दिल्ली की सुविधा गांव में मिल रही है, सिलेक्शन के बाद टाइम्स कोचिंग जरूर आएंगे। बिल्कुल शुभम कुशल। आप बोलिए कुछ इसके अलावा। हाँ अब आ गया, केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रही है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि मैं जब पढ़ाऊंगी तो एक वीक में टोटली बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और अगले वीक में पूरा वीक में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो ये आप अनवांटेड डिमांड फिर लेकर आ गए हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि मैं एक वीक आपको बायो पढ़ाऊंगी और एक वीक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। हाँ, जीन कोड के बारे में हरी गोविंद खुराना ने बताया था, यू आर राइट विनोद कुमार, ठीक है। मैम मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया, दूसरे फोन में क्लास चलेगा? यस, एक बारी में एक ही जगह क्लास चला सकते हैं, दूसरी जगह से चलाएंगे तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैम एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलेगा क्या? यस, एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए अब आप लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मैम प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बताए, बच्चों बताओ, कोई बुक ले लो, एक्स वाई जेड कोई ले लो, मेरे को कुछ नहीं है, आप कोई बुक ले लो बच्चों, कोई बुक अच्छी नहीं होती, कोई बुक बुरी नहीं होती, सब अच्छी है सब बुरी है, ठीक है। चलो मैम एनटीपीसी में ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। चलिए मैम एप्पल में आयरन होता है? यस, सेब में आयरन होता है, इसीलिए आप सेब को काट के थोड़ी देर आप रख दो बाहर। सेब किस कलर का होता है? लाल लाल कलर का हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए, ठीक है। चलो मैम एनटीपीसी क्रैश कोर्स चलवा दीजिए। देखिए एनटीपीसी क्रैश कोर्स एक तो बैच ऑलरेडी चल रहा है हमारा, एक बैच अभी 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है एनटीपीसी क्रैश कोर्स, बता दूं मैं, जिसमें हम लोग 2 महीने लगातार बिना छुट्टी के हम 3 सब्जेक्ट कवर करवाने वाले हैं। रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको परवेज आलम सर, मैथ्स वाला सेक्शन देखेंगे आपका अजय राणा सर, और साइंस वाले पार्ट में बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगी, और फिजिक्स का आप करवाएंगे अंकुर सर। तो ये आप आज या कल आपके वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, ऐप पे अपडेट हो जाएगा, वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जीके भी चलेगी क्या? देखो जीके वाला चाहिए तो वो बैच ऑलरेडी पुराना है, आप वो ले सकते हैं। मैम एवरीडे क्लास होगी साइंस एंड मैथ्स? नहीं, इस बैच में 3 दिन चलेगा मैथ्स, 2 दिन चलेगा साइंस और 2 दिन चलेगा रीजनिंग, 3, 2, 5, 2, 7 ऑफ नहीं होगा, ये छुट्टी नहीं होगी इसमें। चलो बाकी मैं यहाँ पर टेलीकॉलर नहीं हूँ, आप इंक्वायरी वालों से बात क्या करें। मैम साइंस स्पेशल 3 में केमिस्ट्री हो गया कि नहीं बच्चा? इसमें थोड़ा केमिस्ट्री बचा है, वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। चलो अब होगी बात खत्म, अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।